हेलो दोस्तों, अगर आप भी Realme 7 Pro खरीदने की सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो आपको पूरी देखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पांच प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ Realme 7 Pro के रिगार्डिंग, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए इस फोन को खरीदने से पहले। एंड गाइस, एक बात बता दूं, ये फोन काफी अच्छा है 20,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम केवल इसकी बुरी बातों के बारे में बताएंगे, मतलब कि केवल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी अच्छी बातें आपको नहीं बताऊंगा। सो गाइस, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जहां तक बात करें Realme 7 Pro डिवाइस के पहली कमी के बारे में, तो ये पहली कमी बिल्ड क्वालिटी के अंदर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, Realme 7 Pro का छोटा भाई Realme 6 Pro, इसके अंदर आपको बैक के अंदर ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती थी, साथ में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती थी। लेकिन अब इसका बड़ा भाई लॉन्च हुआ है Realme 7 Pro, इसके बैक के अंदर आपको नॉर्मल प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, मतलब पूरी की पूरी आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बैक के अंदर ओनली पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहली कमी ये लगी। पे बात करें Realme 7 Pro के सेकंड कमी के बारे में, तो आपको पता होगा रिसेंटली अभी Poco X3 लॉन्च हुआ है, Realme 7 भी लॉन्च हुआ है। इन सब की बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो Poco X3 के अंदर 6000 mAh बैटरी है, Realme 7 के अंदर 5000 mAh बैटरी है, और अभी जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं 10,000 से कम 10,000 से ज्यादा, सब में अप्रोक्स 5 से 6,000 mAh आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो Realme 7 Pro डिवाइस है उसके अंदर आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आराम से एक दिन चल जाएगी। लेकिन यार, अभी के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, सब में आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल रही है। तो यार, इसमें थोड़ी बैटरी आपको कम देखने को मिल रही है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए इस फोन को खरीदने से पहले कि इसमें ओनली आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये भी मुझे एक थोड़ा सा इश्यू लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। थर्ड कमी के बारे में बात करूं तो यार, थर्ड कमी रखी गई है इसकी प्रोटेक्शन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट के अंदर आपको ओनली Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं Realme 6 Pro की, तो Realme 6 Pro के अंदर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो सोचो यार, आप 20,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार आपको ओनली Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो यार, ये तो यार 10,000 के जो नीचे जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर आपको ऐसी टाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो ये मुझे थोड़ी कमी लगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। Realme 7 Pro के फोर्थ कमी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जितने भी नए नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, उन सारों की जो स्क्रीन की डिस्प्ले साइज है वो अप्रोक्स ऐसे चल रही है 6.67, जो कि Poco X2 की थी 6.7 इंच, 6.8 इंच, मतलब भी थोड़ी बढ़ करके आ रही है, आप कोई भी छोटी स्क्रीन यूज नहीं करता। लेकिन गाइस, Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर आपको 6.4 इंच की एक डिसेंट डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी छोटी हो जाती है अभी के लेटेस्ट स्मार्टफोन को देखे तो। इनफैक्ट Realme 6 Pro के अंदर भी अप्रोक्स 6.65 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती थी, इस हिसाब से मुझे थोड़ी है कमी लगी डिस्प्ले के अंदर। और दोस्तों, बात करें जहां तक पांचवी कमी के बारे में, तो यार पांचवी कमी रखी गई है कैमरा सेटअप को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सोनी के कैमरास दिए हैं, वो भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन Realme 6 Pro को देखूं और 7 Pro को देखूं, तो 7 Pro इसका बड़ा भाई होना चाहिए 6 Pro का। 6 Pro के अंदर आपको फ्रंट में डबल कैमरा देखने को मिलते थे, लेकिन 7 Pro के फ्रंट के अंदर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये भी मुझे थोड़ी सी बात लगी कि यार, जो मैंने आपको बता दी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया हो जो मैं आपको समझाना चाहता था। एंड गाइस, आज की इस वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को जानना हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।